और दोस्तों दीपावली धनतेरस के शुभ अवसर पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत भीड़ है लोगों की, खरीदारी करने वालों की, जो तरह तरह के सामानों की खरीदारी करने के लिए आए हैं। यूँ तो पिछला बार जो दीपावली था वो कोरोना काल में बीता था, इसलिए लोग ज़्यादातर घर में ही रह करके अपना पूजा पाठ किए थे, लेकिन इस बार जो गाइडलाइन में छूट दी गई है इसको लेकर के ये दीपावली धनतेरस की खरीदारी करने वालों की भीड़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर आपको जमशेदपुर के साक्षी बाजार से हम दिखा रहे हैं, जहाँ खरीदारी करने वालों की जो उत्साह है वो देखने लायक है। ये सभी यहाँ खरीदारी करने आए हैं और तरह तरह के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, पूजा पाठ के लिए भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। और इतना का इस साल कोरोना काल में जो है गाइडलाइन में छूट दिया गया है ताकि लोग अच्छी तरह से इस त्यौहार को मना सकें। दीपावली ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है और इसी को लेकर के यहाँ भी छूट दिया गया है। यहाँ भी इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन पिछला वर्ष कोरोना में बीता था इसलिए इस वर्ष जो है वो कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई है ताकि लोग इस त्यौहार को मना सकें, इस त्यौहार को अच्छी तरह से जो है मना सकें। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे मूर्ति वगैरह बिक रही है और भी तरह तरह के सामान हैं, दिए वगैरह बिक रहे हैं और लोगों की जो खरीदारी करने वालों की भीड़ है और इनका उत्साह देखने लायक है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो ये त्यौहार आया है और लोग इस त्यौहार को अच्छी तरह से मना पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिए वाले हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो कोरोना काल नहीं है, कोरोना गाइडलाइन में छूट दिया गया है, तो दिए की बिक्री कैसी है, आइए इनसे जानते हैं। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार, कैसी बिक्री है इस बार कोरोना? पिछले साल तो कोरोना काल था तो कुछ भी बिका नहीं, इस बार कैसा लग रहा आप लोगों को? अभी तो पूरा छूट दे दिया गया, तो भीड़ भाड़ है ना? तो है मार्केट, मैंने देख रहे ना तुम्हारा जो मेहनत लगती है, आमदनी के हिसाब से रेट नहीं मिलती हम लोग, क्या बोला जाए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना दिया? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह की सामानों की बिक्री हो रही है, यहाँ पे मिठाई वगैरह भी बिक रहा है जिसे हाथी घोड़ा कहते हैं, ये बताशा है, और भी तरह तरह के सामान है जो पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये दीपावली का मार्केट है जहाँ पे सजाने का सामान बिक रहा है। ये पूजा में सजाया जाता है, घर को अपने सजाया जाता है इन सामानों से, और ख़रीदारी करने वालों की भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि कोरोना काल जो है वो अब खत्म हो चुका है और गाइडलाइन में छूट दे दी जा चुकी है। आइए सामान जो बिक रहे हैं, यहाँ पर सामान मूर्तियाँ वगैरह लगी है, ये मूर्तियों को देखिए, ये सुंदर और अद्भुत हैं और ये दीपावली के लिए खासकर बनाई जाती है, मंगवाई जाती है और दीपावली में इसका इस्तेमाल होता है पूजा करने में, आप देख सकते हैं। तो इस बार जो है कोरोना काल में ढील दिया गया है, तो कैसा बिक्री हो रहा है आपका दीपावली में? देखिए इस महीने से क्या हो रहा है, बिक्री बहुत कम हो आधा हो। अच्छा, लेकिन भीड़ तो बहुत है। भीड़ तो देखिए आज से देख रहा हूँ चल जा रहा है, लेकिन पिछले बार से एकदम कुछ बिक्री नहीं हुआ था, पिछले बार तो और कम था, इस बार तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना? थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। ये साक्षी का झंडा चौक है और यहाँ पर भी खरीदारी करने वालों की भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है साक्षी बाज़ार से, और जो भी दीपावली में लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तरह तरह के सामान यहाँ बिक रहे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं हूं शहजादा खान झारखंड टाइम से, अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकते हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।